कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू माय चैनल द होलिक लाइफ सुबह के बजे हैं पांच आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हाउ टू प्रोपोगेट पेरिस्कोपिस बाय कटिंग तो गाइस आप देख सकते हैं यहां मैंने जो कटिंग पहले से लगा रखी थी वो भी पाँच छः इंच की हो गई है और मैं आपको दिखा दूँ ये जो कटिंग है ये बारह इंच की कटिंग हो चुकी है मतलब ये इतनी बढ़ चुके हैं कि अब मैंने इनकी कटिंग नहीं की इनको प्रोपागेट नहीं किया तो इनमें रोटिंग शुरू हो जाएगी तो गाइस पहले मैं इन सबको बाहर निकाल लेता हूँ कि मैं इनकी आसानी से कटिंग कर सकूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग करता हूँ और उसके बाद मैं कौन सा पॉटिंग मिक्स यूज़ करूँगा वो सब आपको दिखाता हूँ तो गाइज़ हमारा पहला स्टेप होगा हमें ये नॉर्मल गार्डन ऑइल लेनी है और गार्डन ऑइल लेके ये जो मेरे पास ट्रे है कटिंग लगाने की इसे आपको तैयार रखना है और हमें एक बात का और ध्यान रखना है इसमें कि कटिंग सीधी है उल्टी है उसके लिए एक पेन ले लेना है जिससे हम ऊपर के हिस्से पे निशान लगा देंगे कटिंग जितनी भी होंगी वो चार इंच की होंगी और उससे हम जो उसका ऊपर का साइज़ होगा उस पर हम निशान लगा देंगे जिससे कोई भी कटिंग हम गलती से उल्टी ना लगा दें एक ये पेन ये मैंने ले लिया है एक ब्लेड एक शार्प ब्लेड ले लीजिएगा आप भी जिससे आपको कटिंग में आसानी हो और जैसा कि जिन लोगों के पास पेरिस्कोपसिस है उनको पता होगा इसमें जो कांटे हैं वो बहुत बारीक कांटे चुपते हैं उससे बचने के लिए ऐसा कोई आप पिन वग़ैरह ले लें चलिए पहले मैं ये जो गार्डन ऑयल है इसको मैं डालता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो गार्डन ऑयल में डाल रहा हूँ वो गीली है क्योंकि यहाँ लगातार तीन दिन बारिश हुई है और मौसम विभाग के मुताबिक आज का दिन ऐसा है कि साफ़ रहेगा मौसम तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको कटिंग लगा के दिखा दूँ और सॉइल जो है अभी थोड़ी गीली है लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता और गाइज इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग होते हैं कि रूटिंग हार्मोन्स लगाते हैं और बहुत से नहीं भी लगाते हैं। तो गाइस बस ये कि अगर आपको मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है रूटिंग हार्मोन लगाने से तो आप लगा लीजिए वैसे मैं इसका यूज़ नहीं करता मैं विदाउट रूटिंग हार्मोन या कोई भी जो पाउडर होता है रूटिंग का मैं उसको यूज़ में नहीं लेता मैं डायरेक्ट कट करता हूँ और कटिंग को ऐसे ही लगा देता हूँ बस एक बात का ध्यान रखना होता है इन सब चीज़ों में कि जब भी हम कटिंग लगाएं कटिंग लगाते टाइम हम कटिंग को ज़्यादा गह उसकी जो कलम होती है उसको नीचे तक ना लेके जाए अगर हम उसको ज़्यादा नीचे तक ले जाते हैं तो उससे रोटिंग हो जाती है बस थोड़ा आधा इंच जो है हम उसको सॉइल के अंदर रखेंगे जिससे कि कटिंग जो है वो आसानी से उसकी रोटिंग हो जाती है और रूटिंग होने के बाद वो आसानी से जो रूटिंग होने के बाद मैं आपको बता दूं एक मिनट रूटिंग होने के बाद हम उसको आसानी से निकाल भी सकते हैं ठीक है मैं ये फाइनल करके पहले ये देखिए आप ये पूरी ट्रे है इसमें 96 सिक्स सेल्स हैं तो ये पूरी कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ कटिंग के लिए सबसे पहले मैं इसी को निकाल लेता हूँ जो आपको मैंने बताया था बारह इंची की कटिंग है ये है स्टेप टू जिसमें हम कटिंग को चार इंची के हिसाब से काटेंगे और उसको मार्कर से उस पर ऊपर की साइड एक निशान लगा देंगे जिससे हमें पता चल सके कि कटिंग का ऊपर कैसा कौन सा है ये देखिए गाइस पहले मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और कटिंग को यहाँ से मैंने काटा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ इसमें कि अगर आपके पास मार्कर है नहीं निशान लगाने के लिए तो उसका भी एक इजी मेथड है जो मैं हमेशा यूज़ में लेता हूँ और वो ये है कि मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और नीचे के जितने भी लीव्स हैं उसको मैंने हटा दिया और वैसे भी ये जो लीव्स होते हैं ये हमें हटाने ही पड़ते हैं जब हम कटिंग लगाते हैं ये देखिए है। मैंने इसके जो नीचे की लीफ थी वो सब हटा दी हैं तो गाइस अभी के लिए मैंने 20 कटिंग निकाल ली है क्योंकि दोबारा से बारिश का मौसम होने लगा है तो मैंने सोचा अभी जितनी कटिंग मैं निकाल पाया हूँ इसी को आपको लगा के दिखाता हूँ अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है कि कटिंग लगाते वक्त आपको जितनी भी लीफ्स के पास ये जितना भी आधा हिस्सा उसका रह गया है इसको आपको हटाना होगा अब बस हमें इस कटिंग को लेना है और इसको यहाँ लगा देना है हो सकता है गाइस थोड़ा मेरा जो तो फ़ोन है वो ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि मैं ख़ुद ही वीडियो बना रहा हूँ खुद ही लगा के दिखाऊंगा तो मैंने इसको थोड़ा सा दबा दिया है और दबाने के बाद मैं इस पर साइडों से इसको सपोर्ट के लिए इस पर गार्डन सॉइल लगा दूँगा बीस कटिंग मैंने यहाँ लगा दी है गार्डन सॉइल गीली होने की वजह से मुझे इसमें बहुत टाइम लगा जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम दोबारा बारिश का होने लगा है तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी चैनल को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा तब तक के लिए बाय बाईस